हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ आलू की एक नई रेसिपी जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो मैं आलू का नाश्ता बताने जा रही हूँ, शायद ही आपने खाया होगा। तो इस तरह से आलू ले लेंगे, ये नई आलू है तो मैंने छीला है, ये पूरी तरह से नहीं छीला है। इस तरह से मैंने 6 आलू लिया है, इसे अच्छे से साफ कर लिया है, इसे हम उबाल लेंगे। मैंने आलू को पानी डालकर कुकर में ले लिया है, ये पूरी तरह पक जाए इतना हमें उबालना है। देख सकते हैं मैंने आलू को उबाल लिया है, जो ये थोड़ी थोड़ी छिलके दिख रहा है इसे निकाल लेंगे। ये हमने आलू को छील लिया है, अब इसे इस तरह से तोड़ लेंगे अच्छी तरह से। सभी आलू को हमें तोड़ लेना है, मैं तोड़ने के बाद दिखा रही हूँ। पर जो मैंने आलू को तोड़ा है, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा ले लेंगे, इतना ही हमें सरसों लेना है। अब इसमें हमें 1 बड़ी साइज की प्याज डालनी है बारीक काट कर। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस प्याज को हमें सॉफ्ट करना है। अब इसमें हमें मिर्ची डाल देना है, 2 मिर्ची को बारीक काट लें। जो मिर्ची पसंद ना करते हो तो वो आप लाल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर हमें बाद में लेना है। ये नाश्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे हों या बड़े, सभी मज़े में खाएंगे। हमें बस प्याज का कच्चापन निकालना है, बस 1 मिनट तक इस तरह से चलाएंगे। अब जो ये हमारा आलू है इसमें डाल देंगे। इस तरह से आलू डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स करना, जो आलू के टुकड़े आपको बड़े लगे उसे मैश कर देना है, इस तरह से तोड़ देना है। आप इसे बाद में भी तोड़ सकते हैं, जब ये आलू का मिक्सर ठंडा हो जाएगा उसके बाद भी तोड़ सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक लेंगे, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसमें हल्दी पाउडर डालना है, अब हमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी ऑप्शनल है, अगर हल्दी आप ना भी डालते हैं तो भी होगा। अब हमने मिर्ची ली है, 2 हरी मिर्च ली है, तो मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर ले रही हूँ। आप अगर हरी मिर्च ना डालते हो तब आप 1 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसके जगह नींबू का रस ले सकते हैं। अब ये सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स करने के बाद आप नमक का भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप और मिक्स कर सकते हैं। ये जो हमने इसे 2 चम्मच तेल में आलू को फ्राई कर रही हूँ, एक तरह से ये आलू में हमने तड़का दिया है। आप चाहें तो सीधे उबले हुए आलू में ये सारी चीज़ मिक्स कर सकते हैं। ये देख पा रहे होंगे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर ले लिया है। अब इसमें हमें हरा धनिया डालना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, धनिया की पत्ती डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। धनिया का पत्ता ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डालें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब ठंडा होने के बाद अगर ये आलू की गुठलियाँ हो तो आप इसे तोड़ दें। हो गया है, मैंने इसे सभी को मीडियम फ्लेम पर बनाया है। यहाँ पर पनीर ले लेंगे इस तरह से स्क्वायर साइज का, और हमें इस तरह से पीस कर लेना है, इतना मोटा रखें। पनीर को फ्राई करना है, अब हमें पनीर में थोड़ी सी नमक डाल लेनी है, हमें नमक ज़्यादा नहीं लेना है। हल्दी ले लेंगे और 1/2 चम्मच से कम मिर्ची पाउडर लेंगे। ये सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है हल्के हाथों से। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हमें फ्राई कर लेना है। कढ़ाई में अभी मैंने
दो चम्मच तेल ले लिया है। अब जो हमारा पनीर है इसे डाल देंगे। इस तरह से हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसे हमें चेक कर लेना है दूसरी तरफ। इस तरह से पलट देंगे। मैंने सभी को पलट दिया है। ये हो गया है तो इसे हमें निकाल लेना है, एक एक करके निकालना है। हमने आलू को फ्राई कर लिया है और पनीर भी फ्राई कर लिया है। अब हमें ब्रेड क्रम की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस तरह से ब्रेड ले लेंगे और मिक्सी जार में इसे तोड़ के डाल लेंगे। सब एक साथ ही डाल रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके हमें डाल देना है और इसे मिक्सी जार में चला लेना है। इस तरह का आपको दिखेगा। ब्रेड क्रम पाउडर कर लेना है हमें। ब्रेड से हमें ब्रेड क्रम बना लेना है। इस तरह से पाउडर कर लेना है। अब यहाँ पर हमें घोल तैयार करना है, तो मैं यहाँ पर दो चम्मच मैदा ले रही हूँ। आप मैदा के जगह कॉर्नफ्लावर अरारोट भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा सबके घर में मिल जाएगा तो इसलिए मैंने मैदा लिया है। अब इसमें दो चुटकी के बराबर नमक डालेंगे और अब हमें इसका घोल तैयार करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। हमें और पतला करना है इसे, कहते हैं इस तरह का पतला होना चाहिए। मैंने और थोड़ी सी पानी मिलाई है इसमें। अब ये हमारा घोल भी तैयार है। अब ये हमारा आलू ठंडा हो चुका है, तो आप इस तरह से मिक्स कर ले अच्छे से। अब ये आलू का मिक्सचर को हमें इस तरह से लेना है। इस तरह से हमें इसे चिपटा कर देना है। को जिस साइज का बनाना हो उसी अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें हमें पनीर का इस तरह से पीस रख देना है और फिर से हमें इसके ऊपर आलू से ढक देना है। इस तरह से पहले सभी को हम बना लेंगे। इस तरह से हमें पनीर को अच्छे से ढक देना है। इसी तरह से हम सब बना लें। इस तरह का हमारा 6 पीस बना है और काफ़ी बड़ा साइज है और एक पनीर का टुकड़ा बच गया है। अब इसे हमें एक एक करके ये जो हमने मैदा का घोल तैयार किया है इसमें हमें इस तरह से डिप करना है और जो हमारा ब्रेड क्रम है इसमें इस तरह से ब्रेड क्रम से ढक देना है अच्छे से। मैंने पहले से तेल गरम करके रखा है, तो अब मैं उसमें ये पीस डाल दूंगी। इस तरह से डाल देंगे। अब मैं इसे पलट रही हूँ। ये मैंने हाई फ्लेम पर से थोड़ा सा कम रखा है, मीडियम और हाई के बीच में रखा है। ये करीब आधा मिनट में फ्राई हो जाता है, तो इस तरह से हमें निकाल लेना है। फिर से इस तरह से लेंगे और ब्रेड क्रम में इस तरह से लगा लेंगे और तेल में हमें डाल देना है। इसी तरह से फिर से हमें मैदा में इस तरह से डिप करना है और ब्रेड क्रम में हमें इस तरह से लपेट देना है। बस ध्यान दीजिएगा, ये आधा मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो जाता है, फ्राई हो जाता है। करीब 20-25 सेकेंड में हो जाता है। इस तरह से दोनों तरफ कर ले। अगर एक तरफ कलर कम हो तो फिर से दूसरी तरफ आप पलट दे। देख सकते हैं मैंने टिश्यू पेपर पर रखा है। अगर टिश्यू पेपर ना हो तो कोई साफ कॉटन का कपड़ा रख ले और इसे तेल से निकालने के बाद इस तरह से अगर रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा तेल होगा तो वो टिश्यू पेपर या कपड़े में निकल जाएगी। देख सकते हैं इस तरह से हमें
सभी को बना लेना है। देख सकते हैं इस तरह से तेल में ब्रेड का जो पाउडर है वो निकल जाता है, तो दो बना ले, उसके बाद इस तरह से इसे निकाल देना है। इस तरह से निकालने के बाद फिर आप डालें और फ्राई करें। तो देख सकते हैं हमारा आलू का बहुत अच्छा नाश्ता तैयार हो गया है, आप चाहें तो स्नैक्स भी बोल सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।